आज के वीडियो में दोस्तों अनबॉक्स करेंगे बोट कंपनी के एयरडॉप्स 201 ईयरबड्स को और जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, कैसे हैं ये ईयरबड्स और ये भी देखेंगे कि कैसे ये कॉल क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और जब हम इनको ईयर्स में फिट करते हैं तो कैसे इनका लुक आता है, प्लस कैसे इनकी फिटिंग्स है ईयर्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। इस तरीके के बॉक्स में आता है बोट एयरडॉप्स 201 मॉडल। आपको एक बार बॉक्स को मैं दिखा देता हूँ किस तरीके की पैकिंग है और इसमें इसके फीचर्स भी लिखे हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो इस तरीके का छोटा बॉक्स है, कॉम्पैक्ट। अगर आपको अपने हाथ में रख के दिखाऊं तो आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके का बॉक्स है। अब आपको मैं जल्दी से इसके फीचर्स बता देता हूँ। आपको इसमें मल्टी फंक्शन बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मतलब इसमें टच कंट्रोल्स नहीं है, आपको बटन्स मिलते हैं। इसमें बिल्ट इन माइक मिल जाता है, मतलब आप कॉलिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मोनो एंड स्टीरियो कॉलिंग का फीचर मिल जाता है, अगर आप यहाँ पर पढ़ पाए। अकॉर्डिंग टू बोट, इसका डिज़ाइन जो है वो स्लीक एंड पोर्टेबल है, वो तो बाहर निकालने का पता चल जाएगा कैसा है। और इसमें ब्लूटूथ 5.0 आता है। इसमें आपका ड्राइवर साइज़ जो है 10 mm का है। इसमें IPX रेटिंग 4 है, मतलब ये स्वेट प्रूफ है। और इसकी अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 470 mAh की है और बैटरी बैकअप जो कंपनी क्लेम करती है बोट, वो उसके अकॉर्डिंग 12 hours का, अप टू 12 hours का बैटरी बैकअप मिल जाता है। और इसमें आपको गूगल असिस्टेंट और सीरी का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो कुछ ऐसा ही है बॉक्स। और इसमें जो एक मेन चीज़ जो पढ़ने वाली है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें कि आपको इसको चार्ज करने के लिए 5V 2 ampere का चार्जर यूज़ करना है, उससे ज़्यादा या उससे कम का कोई चार्जर सपोर्ट नहीं यूज़ करना, वरना आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो ये कुछ मेंशन किया गया। तो आप जल्दी से सील को ओपन कर लेते हैं। तो हर बार की तरह आप जरूर चेक कर लें जब भी प्रोडक्ट डिलीवर हो कि सील ब्रेक या डैमेज ना हुई हो। तो अभी आप देखें तो सील प्रॉपर लगी है। मैं सील को ओपन कर देता हूँ। सील को मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं जल्दी से प्रोडक्ट को बाहर निकालता हूँ। बॉक्स को ओपन करने के बाद मैं इसको साइड में रख देता हूँ और आपको जल्दी से दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो उसको बाहर निकालें तो आप देख पाएंगे इसके अंदर हमें मिल जाती है मैनुअल सेटअप गाइड, जिसको मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको सेटअप किया जाता है और आप इसको पढ़ भी सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। और इसके अंदर और कुछ भी मिलता है तो आपको ये मिल जाता है बोट कंपनी की तरफ से सनबर्न अरीना, जिसमें आपको मेंशन किया गया है प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इस तरीके से। इसको भी साइड रख देते हैं। और इसमें आपको मिल जाता है एक ये 1 year का वारंटी कार्ड और ये है बोट एयरडॉप्स का, जिसके अंदर मैनुअल्स थी। और इसके अंदर देखें तो इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, जिसको मैं अभी दिखा देता हूँ निकाल के, चार्जिंग केबल और सिलिकॉन जेल टिप्स मिल जाती हैं। इसमें दो मिल जाती हैं, स्मॉल मीडियम और लार्ज, अकॉर्डिंगली आप फिट कर सकते हैं अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो चार्जिंग केबल है और ये है, इनको भी साइड रखते हैं। और इस तरीके से आपका बोट का चार्जिंग केस जिसके अंदर आते हैं ईयरबड्स, इनको भी निकाल के बाहर देख लेते हैं। तो फर्स्ट लुक आपको देता हूँ मैं। अगेन हर बार की तरह अपने हाथ का साइज़, अपने मेरे पाम का साइज़ आप देख सकते हैं, हाथ में रखते हो इसको तो आपको आइडिया लग जाएगा बोट का ये जो चार्जिंग केस है इसका साइज़ कितना है। छोटा साइज़ है, लास्ट बार आपने देखा था मीवी का तो उसका साइज़ इससे भी ज़्यादा स्मॉल था, वो कैप्सूल साइज़ का था। ये कैप्सूल साइज़ का नहीं है बट ये भी एकदम दिखने में अच्छा है। और इसके बैक साइड में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे अगेन इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है और मेंशन किया गया है आपको 5V 2 ampere के चार्जर से इसको चार्ज करना है। आपको यहाँ पर 2.0 USB से चार्ज करना है और कुछ ऐसा है इस तरीके से। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है केस की, बट साइज़ में थोड़ा ये बड़ा है। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कैसे इन ईयरबड्स को पेयर किया जाता है अपने फ़ोन के साथ और कैसे इसके फंक्शन वर्क करते हैं, कॉलिंग के, प्ले और पॉज के बटन कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ करना क्या होता है। आप इसको बाहर निकालेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इंडिकेटर चल रहा है जो बता रहा है इसका बैटरी लेवल कितना है। और अंदर से आपको इन ईयरबड्स को बाहर निकाल लेता हूँ और केस को रख देते हैं नीचे, इसका अभी कोई यूज़ है नहीं। और लेफ्ट वाले को कर लेते हैं लेफ्ट साइड पर, यहाँ पे रख लेता हूँ, और राइट साइड वाले को कर लेते हैं राइट साइड पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों आपस में ब्लिंक करते हुए, यहाँ के ब्लिंकिंग बंद हो गई है, हो जाएगी अभी तो जरूरी है। तो लेफ्ट साइड वाला आपका है स्लेव और राइट साइड वाला है मास्टर। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी है, आप इसको सोलो या स्टीरियो मोड में भी या मोनो मोड में भी प्ले कर सकते हैं। वो कैसे वर्क करता है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड वाली जो ब्लिंकिंग है वो बंद हो चुकी है और राइट साइड वाली ब्लिंकिंग अभी चल रही है ईयरबड में। तो इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में पेयर हो चुके हैं। जब भी यहाँ पर ऑरेंज लाइट जलना स्टार्ट हो जाए, अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे पास करके लाऊँ तो, जैसे यहाँ पे ऑरेंज लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब ये दोनों आपस में पेयर हो चुके हैं। तो अब ये फ़ोन से कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं। तो आपको करना क्या है फ़ोन पे, मैं जल्दी से अपना फ़ोन भी ले आता हूँ और अपने फ़ोन में जाता हूँ मैं जल्दी से सेटिंग्स के ब्लूटूथ में। कहाँ है,
तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं ब्राइटनेस फ़ोन की कम कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ। तो फ़ोन पे मैं कर देता हूँ ब्लूटूथ को ऑन, और अभी सर्च करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे आ गया है बोट एयरडॉप्स 201 मॉडल। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेयरिंग के लिए क्लिक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको बता दूँ कैसे बाकी फंक्शन वर्क करते हैं इसमें। तो ये कनेक्ट हो गया, आई थिंक हाँ पेयर हो गया, ठीक है। तो ये फ़ोन के साथ पेयर हो गया। अब मेरा बोट एयरडॉप्स 201 फ़ोन को रखते हैं साइड, और मैं आपको बताता हूँ बाकी फंक्शंस के बारे में। अब आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे इसको पावर ऑन पावर ऑफ किया जाता है मैनुअली। तो अगर आपको मैनुअली इसको पावर ऑन करना है तो आपको 3 सेकंड्स तक इन बटन्स को प्रेस करके रखना है। तो जैसे भी आप इनको बटन्स को 3 सेकंड्स तक प्रेस करके रखेंगे तो ये मैनुअली ऑन हो जाएंगे, पावर ऑन हो जाएंगे। और अगर इनको आपको ऑफ़ करना है मैनुअली तो आपको इनको 5 सेकंड्स तक बटन को प्रेस करके रखना होगा। बाकी अगर आपको ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करना है तो आपको मैंने जैसे मैंने बताया था, आप इनको जैसे भी चार्जिंग केस में रख देंगे तो ये पावर ऑफ हो जाते हैं, और चार्जिंग केस से जैसे आप बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑन ईयरबड्स हो जाते हैं। तो अभी आप देखें तो ये क्लिक कर रहा है, इसका मतलब ये फ़ोन से पेयर्ड है। और आपको अगर इसको फैक्ट्री रीसेट करना है तो आपको करना क्या होता है, दोनों ईयरबड्स को इस केस में रख देना होता है। अगर आप इस केस में रख देंगे यहाँ पे दोनों को, और यहाँ पे इन दोनों को प्लेस करेंगे तो इनको 5 सेकंड तक अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये पावर रीसेट हो जाएंगे, फैक्ट्री रीसेट हो जाएंगे। तो ये है कुछ इसका। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसमें लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड तक तो आपका आपके फ़ोन में अगर गूगल असिस्टेंट है या सीरी है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और अगर आपको कॉल्स को रिजेक्ट करना है तो भी आपको 2 सेकंड तक इन बटन में से राइट या लेफ्ट में से किसी को भी प्रेस करके रखेंगे तो आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। वैसे अगर इनकमिंग कॉल को आपको पिक करना है तो आप राइट या लेफ्ट में से किसी में भी टैप करेंगे या प्रेस करेंगे बटन को तो आपकी कॉल पिक हो जाएगी। इन ईयरबड्स को आप सिंगल या स्टीरियो मोड में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मोनो मोड या स्टीरियो मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैसे यूज़ करना है, तो आपका सिंगल मोड में आपका ये जो है मास्टर वाला ही वर्क करता है, जो आपका स्लेव वाला है वो वर्क नहीं करता। तो अगर आपको सिंगल एक ईयरबड यूज़ करना है और दूसरे को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, चाहे कॉलिंग हो या म्यूज़िक के लिए, तो आपको करना क्या होता है, इस स्लेव वाले को आप अपने केस में रख दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑफ हो जाएगा। और अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और आपको गाने को प्ले या पॉज करना है तो आप लेफ्ट या राइट में से किसी को भी एक बार सिंगल टैप करके प्रेस करेंगे तो आपका गाना प्ले या पॉज हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट ट्रैक में जाना है तो आप राइट वाले पे क्लिक करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे सॉरी, तो आपका नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाएगा। अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग में जाना है तो आप अपने लेफ्ट साइड वाले पे एक बार प्रेस करेंगे या टच करेंगे तो आपका प्रीवियस सॉन्ग प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके कुछ फंक्शंस हैं। इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, बट जिस प्राइस पॉइंट में बोट इस कंपनी को एयर ड्रॉप्स को बेच रही है कंपनी बोट वाली, तो उसमें ये चीज़ें चल सकती हैं। तो इस तरीके से कुछ बेसिक फंक्शन है। अब बात करते हैं इसकी कॉल क्वालिटी की, इसकी साउंड क्वालिटी अगर आप गाने या बेस की बात करें, और इसकी ईयर की फिटिंग्स की। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एक गाना प्ले करके दिखाता हूँ और इस ईयरबड्स को अपने माइक्रोफोन के पास ले जाऊँगा तो आपको आपके आइडिया लग पाए कि किस तरीके का ये ऑडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है जज करने का कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, बट मैं आपको गाना सुनाने का बता दूंगा कि मुझे कैसा फील हुआ, इसकी बेस क्वालिटी, ट्रेबल और ओवरऑल साउंड क्वालिटी, और कॉल क्वालिटी भी फिर मैं आपको बताता हूँ और फिर ईयर्स में फिट करके दिखाता हूँ। तो अब मैं अपने माइक को इन ईयरबड्स के पास ले जाता हूँ और आप सुन पाएंगे। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके का ऑडियो आ रहा है, और उसका फिर मैं अपना जजमेंट देता हूँ जो मैंने सुनने का फील किया ऑडियो लेवल पे बेस और ट्रेबल कैसा प्रोड्यूस हुआ। अगर बेस और ट्रैवल की बात करें तो मैं इसको 10 में से 8.5 की रेटिंग दूंगा ओवरऑल। अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो इसको आप आंखें बंद करके परचेस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आपको म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। सेकंड पॉइंट, अगर इसकी कॉल क्वालिटी की बात करें तो एवरेज है, नॉर्मल जैसी होती है ओवरऑल वैसी ही है। और अगर बात करें लेटेंसी की तो आपको 1 से 2 सेकंड का लैग मिल जाएगा, मतलब हो सकता है वो गेम को गेम डिपेंड करे और आपके फ़ोन के ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड करे कि आपका फ़ोन में ब्लूटूथ 5.0 है या कौन सा ब्लूटूथ का वर्जन चल रहा है। बट अगेन ये नॉर्मल चीज़ है, ईयरबड्स में 1 से 2 सेकंड का लैग होना किसी भी गेम से, अगर पबजी खेल लो तो एक नॉर्मल बात है जब तक आप कोई महंगे ब्रांड का या कोई हाई एंड वाला मॉडल परचेस नहीं करते हैं। तो इस तरीके से कुछ फीचर्स हैं। अब आपको मैं इनको अपने ईयर्स में फिट करके दिखाता हूँ और आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो डिज़ाइन है जो आपने देखा इस तरीके का निकला हुआ, ये ईयर्स में कैसा लगता है लगाने के बाद, और आपको दिखाता हूँ कि कैसी इनकी फिटिंग्स। तो मैंने इसको अपने कान पर लगा लिया है इस तरीके से प्रॉपर, तो अगर आप देख पाएँ तो इस तरीके से कुछ फिटिंग दिखती है। अब मैं पास आके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके की फिटिंग है।
अब मैं अपने हेड को शेक करता हूँ ताकि आइडिया लग जाए कि गिरेंगे या नहीं। तो आप देखेंगे कि ये गिरने का कोई चांस है नहीं। तो ओवरऑल आप इस साइड से भी देख सकते हैं किस तरीके का ये डिज़ाइन लग रहा है कान पे लगाने के बाद। और इस तरीके का डिज़ाइन है, मैं शेक कर रहा हूँ तो नहीं गिर रहे हैं। तो मुझे लुक वाइज तो मुझे डिज़ाइन इनका बहुत अच्छा लगा, कान पे कम्फर्टेबल है, कोई ऐसा लगता नहीं है। दूसरे जो ईयरबड्स आते हैं वो यहाँ पे अंदर तक चले जाते हैं, इससे क्या होता है अंदर वैक्यूम जनरेट हो जाता है और जिससे कुछ कान में थोड़ी देर बाद अजीब सा लगना शुरू होता है, बट इनमें मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है बोट एयरडॉप्स 201 मॉडल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।